अस्सलाम वालेकुम। प्ले स्टोर से ई ऑक्शन मोबाइल एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। अब ऐप की मेन स्क्रीन पर यूजर नेम में अपना CNIC नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लें। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड सेट कर लें। ऐप में लॉगिन करने के बाद ई ऑक्शन के टैब पर क्लिक करके आप ऑक्शन के लिए मोटरकार और मोटरसाइकिल की एक्टिव सीरीज देख सकते हैं। याद रहे कि शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का वक्त सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, जबकि शेड्यूल के मुताबिक ऑक्शन की बिडिंग का वक्त सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है। अब किसी भी एक्टिव सीरीज को सिलेक्ट करके आप अपना पसंदीदा नंबर मुंतखब करें। इसके बाद गाड़ी का चेसिस नंबर और मालिक का नाम दर्ज करके अप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक करें। वाज़े रहे कि चेसिस नंबर किसी भी सूरत तब्दील नहीं हो सकता। स्क्रीन पर आप एक पॉपअप मैसेज देख सकते हैं। अगर आप अपने मुंतखब करदा नंबर से मुतमाइन हैं, तो अप्लाई पर क्लिक करें। अब आपको फोन नंबर और ईमेल पर 17 हिंसों पर मुश्तमिल PSID नंबर मौसूल होगा। आप अपने PSID के अगेंस्ट 100 रुपया बमा रिजर्व प्राइस बजरिया इजी पैसा, जैज कैश, ई पे पंजाब या मोबाइल बैंकिंग से जमा करवा सकते हैं। पेमेंट के साथ ही पोर्टल में स्टेटस अप्रूव्ड में तब्दील हो जाएगा और एप्लीकेशन की मंजूरी के बाद ही आप ई ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। वाज़े रहे कि बिडिंग का टाइम खत्म होने से 15 मिनट पहले अगर कोई बिड करेगा तो टाइमर में ऑटोमेटिकली 1 मिनट ऐड हो जाएगा, और अगर आखिरी 60 सेकंड में कोई बिड करेगा तो 1 मिनट ऐड हो जाएगा। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी 60 सेकंड में कोई बिड नहीं करता। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे नंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसकी रिजर्व प्राइस पहले अप्लाई किए हुए नंबर से कम है तो आपको सिर्फ 100 रुपए जमा करवाना होंगे। लेकिन अगर दूसरे नंबर की रिजर्व प्राइस पहले नंबर से ज्यादा है तो दोनों रिजर्व प्राइसेस का डिफरेंस जमा करवाना होगा। मोटरसाइकिल के लिए भी यही तरीकाकार इस्तेमाल होगा। याद रहे कि मोटर कार के लिए बोली में रकम ऐड करने की हद 500 रुपए है, जबकि मोटरसाइकिल के लिए बोली में 200 रुपए ऐड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ऑनलाइन बोली लगाने वाले फर्द को मतलूबा नंबर अलॉट हो जाएगा और इसका नाम विनर्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। शुक्रिया।